चेन ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये संक्रमण कैसे एक से दूसरे में फैलता है, उसके लिए दिल्ली की 10वीं कोरोना मरीज की खबर आपको देखनी और समझनी चाहिए। दिल्ली की 10वीं कोरोना मरीज दिलशाद गार्डन की रहने वाली एक महिला है। 19 फरवरी को ये महिला अपने बेटे के साथ सऊदी अरब गई। 10 मार्च को ये महिला सऊदी अरब से दिल्ली लौटी। एयरपोर्ट पर भाई ने उसे रिसीव किया। 12 मार्च को महिला में बुखार और खांसी के लक्षण दिख रहे थे। महिला ने स्थानीय डॉक्टर से संपर्क किया। 15 मार्च को इस महिला को जीटीपी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। जीटीपी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टरों ने महिला को दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल रेफर किया। 17 मार्च को टेस्ट के बाद महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। 20 मार्च को महिला की मां और भाई भी कोरोना पॉजिटिव हुए। 21 मार्च को महिला की दो बेटियां भी कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई। 22 मार्च को महिला का इलाज करने वाले स्थानीय डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव हुए। यानी उस एक महिला से अभी तक 6 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अब आगे के खतरे के बारे में जानिए। महिला के साथ सऊदी अरब गए 19 साल के बेटे को क्वारंटीन किया गया है। महिला का इलाज करने वाले स्थानीय डॉक्टर की पत्नी और उनकी बेटी में भी कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं। 10 मार्च को सऊदी अरब से लौटी महिला को कोरोना के लक्षण दिखने शुरू हुए और 17 मार्च को टेस्ट पॉजिटिव आया। तो अब उन 7 दिनों में महिला के संपर्क में आए कुल 74 लोग निगरानी में हैं। खतरा यहीं खत्म नहीं होता। भाई ने 10 मार्च को महिला को दिल्ली एयरपोर्ट पर रिसीव किया था और 20 तारीख को टेस्ट में वो पॉजिटिव आया। इन 10 दिनों में महिला का भाई कई भीड़भाड़ वाली जगहों पर गया और जानकारी के मुताबिक करीब 100 लोगों के संपर्क में आया। अब उन सब की जांच करनी होगी, लेकिन ये चेन अभी टूटी नहीं है। अब और आगे चलिए। 22 मार्च को टेस्ट में पॉजिटिव आने से पहले स्थानीय डॉक्टर ने अपने क्लिनिक पर कई मरीजों का इलाज किया। ये आंकड़ा 100 के करीब है। वो मरीज भी कोरोना के संदिग्ध हो सकते हैं। उन सब की जांच करनी होगी। यानी 10 मार्च को सऊदी अरब से लौटी एक मरीज के कारण कितने लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, इस पर नजर डालिए। सऊदी अरब से यह महिला लौटी, परिवार के 4 लोग पॉजिटिव निकले, एक डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव निकला। डॉक्टर की पत्नी और बेटी भी खतरे में है। महिला के बेटे पर भी खतरा है। महिला के संपर्क में 74 लोग आए, भाई के संपर्क में 100 लोग आए, डॉक्टर ने 100 मरीजों का इलाज किया। तो यह है कोरोना का चेन रिएक्शन वाला खतरा, जो धीरे धीरे देश में महामारी का रूप ले सकता है। लिहाजा सबको इसी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने की जिम्मेदारी है। जनता कर्फ्यू के दिन तो देश ने पीएम की अपील को गंभीरता से लिया, लेकिन आज लॉकडाउन किए जा चुके कई शहरों की तस्वीर परेशान करने वाली है। इसीलिए सरकार कह रही है कि इसे 100% लागू करना होगा। चीफ सेक्रेटरी को यह भी रिक्वेस्ट की गई है कि हर अधिकारी को यह बताया जाए कि आंशिक अमल यानी कि पार्शियल इंप्लीमेंटेशन अगर हमारे ऑर्डर्स का जो होता है, तो उससे जो पर्पज है इंफेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट का वो डिफीट हो जाएगा। तो उसके लिए ये इंश्योर करें कि जो भी आदेश दिए गए हैं उनका 100% अमल किया जाए। जो भी ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स का मुख्य उद्देश्य है कि कैसे चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए। सच बात यह है कि इस वक्त 100% जिम्मेदारी कोरोना से बचाने की खुद को आप ही की है। ख्याल रखिए, स्टे होम।